हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्फिनाइट करियर पे। दोस्तों 2020 में जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर एनटीए ने एक नोटिस डाला है अपनी वेबसाइट पर, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो अपडेट्स आती हैं उसे मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वो नोटिस है जो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है नीट के एग्जाम के रिगार्डिंग। दोस्तों ये नोटिस 10 अप्रैल 2020 को एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। इसमें इन्होंने बताया कि नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें इन्होंने करेक्शन पहले से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि आप वहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम का सेंटर था, सिटी प्रेफरेंस था, उसे वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ये वाली जो फैसिलिटी है इसको भी एनटीए ने प्रोवाइड कर दी है, और फाइनली अब आप अपने एग्ज़ाम का जो सिटी का प्रेफरेंस है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों नीट के एग्ज़ाम में ये पहली बार हो रहा है कि आपको एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जा रहा है, वरना इससे पहले जब भी एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम सिटी का जो प्रेफरेंस है उसको चेंज नहीं कर सकते थे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए एनटीए ने ये डिसीजन लिया हुआ है। दोस्तों 14 अप्रैल 2020 को शाम को 5 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम सिटी का जो प्रेफरेंस है उसे चेंज कर सकते हैं, या अपनी मनचाही स्टेट या सिटी को वहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जाइए और आप अपने मनचाही स्टेट या सिटी को वहाँ पर फिल कीजिए। तेरे ये थी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ वीडियो को भी खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।